वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस कानून के तहत ऐसे परिवारों को पट्टा मिलना है जो 2005 के पहले से वन भूमि पर घर बनाकर और खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जतेबेड़ा वनग्राम ऐसे ही परिवारों का एक गांव है जो लगभग 30-35 सालों से रह रहे हैं। श्री एग्नेस अंडीपूर्ति का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है। मैं हूं जेवियर हमसाय और यह है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। ना अशांति निमुंदिन हो भाई ना सरकारी सुविधा जितना कले नमकदा अले सोबेन कामे नितार गले रिकी दिले बाला साका सोबेन आगे नेग परम जेग होबा ओते असोबेन अले रिकी दिने तादे चेना पिची कितना अंतर बाला राजा हुंडले भाई तारा भौतिक सत्यापन होबा जना 3 महीने लेके तो होबा जानगे फॉरेस्टर का सिग्नेचर करते अले आ दावा फार्म को जतेबेड़ा वनग्राम को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि यह वनग्राम है। राजस्व गांव की तरह ही लगता है पर राजस्व गांव नहीं है। इस कारण यह गांव हर तरह के सरकारी योजनाओं से वंचित है। इनका अपना ग्राम सभा है। अब इनका अपने पुराने गांव से लगभग कोई वास्ता नहीं रहा। एग्नेस संडीपूर्ति और गाँव के अन्य परिवार पूर्ण रूप से हर तरह की जरूरतों के लिए इसी वनग्राम भूमि पर आश्रित हैं। जाते बेड़ा जो वनग्राम है और वहाँ के जो निवासी हैं उनको पट्टा अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोगों से मिलने के बाद उस क्षेत्र को देखने के बाद क्षेत्र भवनों के द्वारा स्पष्ट है कि ये लोग वर्षों से उस वनग्राम में निवास कर रहे हैं और वे लोग उसी पर आश्रित हैं। भौतिक सत्यापन के बाद जब अधिकारियों ने भी पट्टा देने पर हामी भर दी है तो देर किस बात की, समस्या क्या है, अब तक क्यों नहीं मिला पट्टा जातेबेड़ा वनग्राम के लोगों को। इनका हक है, जीने का आधार है, काबिज जमीन का पट्टा अवश्य मिलना चाहिए। आप सभी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के डीसी महोदय केसरी निवासन को 9472710699 और लाइन नंबर 06582256422 पर फोन करके दबाव दे ताकि एग्नेस संडीपूर्ति और गांव के अन्य परिवारों को भी जल्द से जल्द पट्टा मिल सके। मैं जेवियर हमसाय बनगांव पश्चिमी सिंहभूम झारखंड इंडिया अनहर्ट के लिए।